ये है दोस्तों अटारी बॉर्डर। अभी हम सारे लोग निकल चुके हैं अटारी वाघा बॉर्डर के लिए, जो कि अमृतसर से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों हमारे साथ में अटारी वाघा बॉर्डर चलने के लिए, और वहां पहुंचने के लिए हमने करी है ये ऑटो। वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। तो दोस्तों अभी हम लोग रुके हैं अटारी बॉर्डर से 10 किलोमीटर पहले। ये छोटी सी एक टी स्टॉल है, खाने पीने का सामान आपको आगे मिल जाएगा, लेकिन अगर आप टैटू बनवाने की सोच रहे हैं तो यहीं से बनवा लीजिए, क्योंकि आगे बहुत महंगे टैटू आपको पड़ने वाले हैं। ये अभी निकला है अटारी गांव, और अटारी गांव से अभी 4-5 किलोमीटर दूरी पे है अटारी वाघा बॉर्डर। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अटारी वाघा बॉर्डर की चेक पोस्ट पे। तो दोस्तों फाइनली अभी हम लोग हैं अटारी वाघा बॉर्डर की चेक पोस्ट पे, और यहां से आगे जाने के लिए आपको या तो पैदल जाना पड़ेगा, या अगर आप खुद का व्हीकल लेके आते हैं तो खुद का व्हीकल लेके जा सकते हैं, नहीं तो यहाँ से साइकिल रिक्शा भी हैं तो उसके माध्यम से आप आगे जा सकते हैं। दोनों देशों के राष्ट्रीय ध्वज आप देख रहे हैं यहीं इसी जगह से, जो कि वहीं से स्टार्ट हो जाती है आगे पाकिस्तान की बॉर्डर। अटारी बॉर्डर पे हम लोग कॉफी पी रहे हैं सबसे पहले इन भैया के यहाँ पे। यहाँ पे आपको कॉफी दिख रही है ना, ये रही कॉफी। माता की जय। करके 20 रुपए में कड़ी है, बाकी 30 रुपए की। ये जोधपुर से आए हैं भावताव करने के लिए। राकेश जी से फोटो के 100 रुपए लिए गए और 20 रुपए बनाए। और एक बात और, यहाँ पे टैटू बनवाना चाहिए कि नहीं बनवाना चाहिए? नहीं बनवाना चाहिए। यहाँ पे टैटू के 100 रुपए हैं दोनों गालों पे बनाने के लिए, और यही से 10 किलोमीटर पहले वहाँ पे आपको दोनों गालों पे 20 रुपए में टैटू मिल जाएगा। तो दोस्तों कुछ ही दूरी पे पाकिस्तान की बॉर्डर, और मिलते हैं सीधे पाकिस्तान की बॉर्डर पे। दोबारा से यहाँ पे आपकी चेकिंग की जाती है, और ये है मेन गेट। चेकिंग करवा के हम लोग अभी मेन गेट के अंदर एंटर कर चुके हैं। अटारी बॉर्डर में आप गाड़ियों की भीड़ देख सकते हैं। सोचिए दोस्तों गाड़ियां इतनी है तो फिर अंदर लोग कितने होंगे। एक वीडियो, एक भारत माता की जय। तो यहां पे होगी तीसरी बार चेकिंग दोस्तों, और लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए अलग अलग लाइन यहां से कर दी जाती है। लाहौर 22 किलोमीटर, क्या बात। चेकिंग लाइन में घुसने से पहले आप विशेष ध्यान रखेंगे कि आपके पास में ऐसी वैसी कोई चीज़ ना हो जिसकी वजह से आपको दोबारा से इस लाइन में लगना पड़े। ये सेल्फी स्टिक थी, इसको भी चेक करा गया, और चेक करने के बाद में इसको अलाउ किया गया है। तो कृपया विशेष ध्यान रखें यहाँ पे आने से पहले। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे ये आप दोनों साइड में फेंसिंग देख सकते हैं। तो
ये है दोस्तों परेड स्थल, देख सकते हैं यहाँ पे लोगों का उत्साह और लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं, और उस तरफ से आप सीधा सीधा पाकिस्तान देख सकते हैं। यह नजारा अपने आप में अद्भुत। परेड शुरू होने में अभी कुछ समय बाकी है, उससे पहले लोग यहाँ पे जोशीले गानों पे डांस कर रहे देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये एक्टिविटी हो रही है इसको बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी बोला जाता है। इसकी शुरुआत सन 1959 में हुई थी और तब से लेके आज तक सूर्यास्त से पहले ये आयोजन रोजाना किया जाता है अटारी वाघा बॉर्डर पे। तो दोस्तों दूसरी साइड से आप देख सकते हैं पाकिस्तानी रेंजर्स इस एक्टिविटीज़ में प्रदर्शन करते हुए, गिने चुने दर्शकों के साथ में पाकिस्तानी रेंजर्स, और ये इंडिया का नज़ारा, लोगों का हुजूम, लोगों की भीड़ देखिए, जलवा है भैया इंडिया का जलवा। सूर्यास्त का समय दोस्तों, और दोनों देशों के राष्ट्रीय ध्वज सम्मान पूर्वक नीचे उतार लिए गए हैं। देखिए तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये समारोह लगभग 45 मिनट तक रहता है, और यहाँ पहुँचने के लिए कम से कम आपको एक घंटे पहले आने की आवश्यकता होती है। बॉर्डर के गेट तो सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुले रहते हैं, पर समारोह देखने के लिए आपको 3 बजे के बाद ही प्रवेश मिलता है। तो दोस्तों ये नज़ारा आप देख रहे थे अटारी वाघा बॉर्डर से। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, नेक्स्ट लोकेशन हम मिलते हैं गोल्डन टेंपल पे। तो बने रहिए दोस्तों हनी मनी व्लॉग्स के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।